Hello student, now we will study about the answer key of chapter number 3rd and that is fiber to fabric, class 7th. Okay, first we will discuss the NCERT problems and then some extra question other than NCERT book. So start from first question, that is you must be familiar with the following nursery rhymes. Yani ki aapne ye नर्सरी राइम जरूर कहीं ना कहीं सुनी होगी, बा बा ब्लैक सिप हैव यू एनी वूल, ठीक है, ये वाली हमारी राइम है. तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट पार्ट ये वाला, ठीक है. विच पार्ट ऑफ द ब्लैक सिप हैव वूल, क्वेश्चन इज दैट विच पार्ट ऑफ द ब्लैक सिप हैव वूल. हमें इस राइम के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है कि ब्लैक सिप के कौन से पार्ट से हमें वूल मिलते हैं, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस एंड फ्लीस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेयर, ठीक है, हेयर को हम फ्लीस भी बोल सकते हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा हमारा, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम हेयरी फाइबर ऑफ द सिप. सेकंड, मैरी हैड ए लिटल लैम, मेरी के पास एक छोटा मेमना है जो अपना सिप का जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसको गोट के बच्चे बोलते हैं. हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो, यानी कि उसके जो फ्लीस थे, हेयर थे, वो वाइट एज स्नो. स्नो मीन्स यहाँ पे बर्फ़ के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है, बर्फ़ के जैसा सफ़ेद थे, बिल्कुल अच्छे. आंसर द फॉलोइंग, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या हमारा, वट इज़ मीन बाई द वाइट फ्लीस, यानी कि जो लैम्ब के जो वाइट फ्लीस थे उनको किसके साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है. वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब रेफर टू द वाइट कलर ऑफ द हेयर ऑफ द लैम्ब, ठीक है, यहाँ पे जो वाइट फ्लीस है वो वाइट हेयर, हेयर के साथ. और अगर क्वेश्चन ये पूछते ना भी किसके साथ कंपेयर किया गया, तो हम ये आंसर भी लिख सकते हैं एज स्नो, बर्फ के जैसे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, द सिल्क फॉर्म है इज ए, सिल्क वर्म हमारा क्या है, इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट इज कैटरपिलर एंड सेकेंड इज लार्वा. और आपको आंसर देना है कि या तो कैटरपिलर है, सेकेंड लार्वा, थर्ड ऑप्शन है कैटरपिलर एंड लार्वा बोथ, ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नाइदर एंड नॉर बी. तो हमने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा भी होगा कि जो सिल्क वर्म होती है उसके अंदर कैटरपिलर और लार्वे दोनों की स्टेजेस होती है हमारी, ठीक है. सो आंसर इज थर्ड ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों स्टेजेस को वो क्रॉस करता है यहाँ पर. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल, कि इनमें से किस से हमें यील्ड का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा वूल किससे नहीं मिल सकती. चैप्टर के अकॉर्डिंग याक के बारे में भी हमने पढ़ा था, कैमल के बारे में भी, ठीक है, गोट के बारे में, बट वुली डॉग का कहीं पर भी डिस्कस नहीं था, बिकॉज वुली डॉग की जो फ्लेस है, ठीक है, उनसे हमें यील्ड वूल नहीं मिलेगा. मैक्सिमाइज वूल कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम वुली डॉग एंड आंसर इज फोर्थ ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन बाय द टर्म्स. आपको यहाँ पे एज ए कीवर्ड्स देर आर 3 टर्म्स, रियरिंग, सीयरिंग एंड सेरिकल्चर. तो वूल ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास प्रोसेसेस क्या रहती है, फर्स्ट पॉइंट रहता है यहाँ पे रियरिंग, ठीक है, उसके बाद सीयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, डाइंग एंड कॉम्बिंग और कन्वर्ट इनटू थ्रेड्स. ये हमारी टोटल्स जो स्टेप रहते हैं वूल ऑब्टेन करने के लिए, वो मैंने अभी आपको जस्ट बताया. तो उनमें से आपको इनको डिफाइन करना है एंड दैट इज रियरिंग, सीयरिंग एंड सेरिकल्चर. ओके, रियरिंग क्या रहता है, तो रियरिंग का मतलब है कि हेल्प करना समवन टू ग्रो अप. फॉर एग्जांपल, हम चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर बात करते हो, रियरिंग का मतलब होगा पालना किसी भी एनिमल को फॉर आवर बेनिफिशियल पर्पस. मीन्स हम मिल्क के लिए अगर किसी एनिमल की हेल्प कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रियरिंग. मिल्क के लिए भी कर सकते हैं, ब्रीड के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, एग्स हो जाएगा यहाँ पे. और चैप्टर के अकॉर्डिंग किसके लिए कर रहे थे हम, फ्लीस के लिए. ओके, दैट इज कॉल्ड रियरिंग, मीन्स हेल्पिंग समवन टू
ग्रो, किसी भी एनिमल को अगर हम ग्रो अप करने के लिए हेल्प करें उसकी, दैट इज़ कॉल्ड रियरिंग। और पर्पस क्या क्या हो सकते हैं हमारे, मिल्क प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं हम, ठीक है, मीट प्रोडक्शन के लिए भी कर सकते हैं, फ्लीस के लिए भी, एंड एग्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट। सेकंड, सीरिंग, सीरिंग अगर हम बात करते हैं तो वैसे हमारा रियरिंग के बाद सीरिंग प्रोसेस होती है, क्यों, क्योंकि रियरिंग कंप्लीट होने के बाद एक टाइम पीरियड के बाद में जो एनिमल्स हमारे होते हैं जिनको हमने रियर किया है उनके ऊपर जो फ्लीस होते हैं वो एक लेयर तक बढ़ जाते हैं, ठीक है, और उनको हम समर टाइम के अंदर, ठीक है, समर टाइम के अंदर उनकी बॉडी से उन फ्लीस को रिमूव करने की जो प्रोसेस रहती है उसको हमने नेम दिया सीयरिंग। और सीयरिंग कैसे की जाती है, सीयरिंग बाई हैंड्स भी कर सकते हैं, जैसे सीजर, सीजर की हेल्प से भी, एंड बाई मशीन एज द ह्यूमन बींग डन। ओके, तो सीयरिंग प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड सीयरिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा सेरिकल्चर, सेरिकल्चर की अगर बात करते हैं तो ये हमारा एक सिंपल प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है, जो रियरिंग प्रैक्टिस होती है ये, ठीक है। और सेरिकल्चर किससे रिलेटेड होती है, ये रहेगी हमारी सिल्क वॉर्म से, ताकि हम सिल्क वॉर्म को रियर करते हैं किस पर्पज़ के लिए, सिल्क बनाने के लिए, ठीक है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है सेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज अ सिक्वेंस ऑफ स्टेप इन प्रोसेसिंग ऑफ वूल, विच आर द मिसिंग स्टेप एट देम, ठीक है। और ये मैंने अभी आपको जस्ट सारे के सारे स्टेप बताए थे कि रियरिंग करने के बाद, यानी कि हमारे पास जो एनिमल उनको हमने रियर किया है, तो हमारे रियर के बाद के जो स्टेप स्टार्ट होते हैं वो हमारे रहेंगे यहाँ पर सीयरिंग, ठीक है, उसके बाद स्कोरिंग, यानी कि पहले सीयरिंग का मतलब बालों को रिमूव करना, फ्लीस को बॉडी से रिमूव करना, स्कोरिंग का मतलब सफाई करना, सॉर्टिंग का मतलब यहाँ पे हम छंटाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद बर, पिकिंग ऑफ बर, यानी कि जो बर पार्टिकल आ जाते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्टिकल, राउंड पार्टिकल, उनको हम हटा देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट डाइंग, नेक्स्ट कॉम्बिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे फॉर द स्टैंड ऑफ स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है, स्ट्रेटन ऑफ फ्लीस। एंड लास्ट रहेगा हमारा रोलिंग इन टू थ्रेड या फिर मेकिंग ऑफ यार्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स केस ऑफ टू स्टेजेस, आप कोई भी दो स्टेजेस शो कर सकते हैं यहाँ पे सिल्क मॉथ की जो हम यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ सिल्क से रिलेटेड, ठीक है। सो एज पर आंसर की यहाँ पे दो स्टेजेस आपको दिखा रखी है, फर्स्ट हमारी कैटरपिलर, ठीक है, और उसके बाद में प्यूपा विद डेवलपिंग मॉथ, जो प्यूपा है ना उसके अंदर जो मॉथ हमारा, जो सिल्क मॉथ है, जो सिल्क बनाने का जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप कोई भी दो स्टेज को शो कर सकते हैं, जैसे फीमेल अडल्ट जो फीमेल होगी वो ले एग ऑन दी मलबेरी लीफ, वो भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं हम, मलबेरी के जो लीफ के ऊपर जो यहाँ पे एग्स रहेंगे वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे कैटरपिलर के अंदर, आप ये दोनों डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड इन में से कौन सी टू टर्म्स है, ठीक है। अब सिल्क प्रोडक्शन का जस्ट अभी हमने स्टडी किया है कि सेरिकल्चर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रियरिंग द सिल्क मॉथ इज टर्म एज सेरिकल्चर, यानी सेरिकल्चर हमारा होगा कंप्लीट, ये तो हमने जस्ट स्टडी किया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मोरिकल्चर वर्ड और है, ठीक है, तो ये दोनों हमारे रहेंगे सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट, मैच द कॉलम वन टू द मैच कॉलम टू। ओके, फर्स्ट पॉइंट, ये भी हमारी स्टेप से रिलेटेड है, जो स्टेप हमने जस्ट अभी स्टडी किया उसी से रिलेटेड है। फर्स्ट स्कोरिंग क्या होता है हमारा, जब रियरिंग के बाद में सीयरिंग आएगा यानी कि बाड़ों को रिमूव करना, स्कोरिंग का मतलब सफाई करना, ठीक है। तो सफाई से रिलेटेड यहाँ पे क्या है, सफाई से रिलेटेड रहेगा हमारा क्लीनिंग ऑफ सियर्ड स्किन, यानी कि जो फ्लीस हमने उतारे हैं बॉडी से उनको क्लीन करना। नेक्स्ट, मलबेरी लीफ, यहाँ पे मलबेरी लीव का क्या काम होता है, मलबेरी लीव को खाकर ही हमें सिल्क मॉथ है वो कोकून तैयार करके देते हैं, यानी कि फूड फॉर सिल्क वॉर्म। ओके, नेक्स्ट, याक के बारे में स्टडी किया, याक का काम क्या रहता है यहाँ पे,
कि वो एनिमल जिनसे हमें काफ़ी वूल मिल सकती है, यानी कि वूल यील्डिंग एनिमल, ठीक है। एंड लास्ट वन इज कोकून, यील्ड सिल्क फाइबर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, गिवन बिलो ए क्रॉस वर्ड पजल बेस्ड ऑन द लेसन, ठीक है, एंड यूज द हिंट्स टू फिल द ब्लैंक स्पेस विद लेटर एंड कंप्लीट द वर्ड्स। इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, आप अपने पजल के अंदर भी फिल कर सकते हो। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये फर्स्ट हमारा डाउन, ये डाउन के लिए, और जो ये वाले क्वेश्चन रहेंगे ये रहेंगे हमारे अक्रॉस, यानी कि लेफ्ट टू राइट के लिए। लेफ्ट टू राइट के लिए ये वाले रहेंगे और अप टू डाउन के लिए इस टाइप से, ठीक है। थ्रू वॉशिंग, यानी कि वॉश करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो वॉश करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, स्कोरिंग, ठीक है, क्योंकि रियरिंग, उसके बाद शियरिंग, बालों को उतारा, स्कोरिंग का मतलब सफाई करना। तो यहाँ पे आएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट डाउन के अंदर, यानी कि फर्स्ट पॉइंट डाउन के अंदर इस लाइन के अंदर क्या रहेगा, स्कोर, SCOUR, ओके, स्कोर। नेक्स्ट, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, एनिमल फाइबर कौन सा है। अब एनिमल फाइबर के अंदर हमने वूल का पढ़ा है, ठीक है, तो हम वूल का इसके अंदर लिख देंगे, वूल, ओके, सेकंड के अंदर। नेक्स्ट थर्ड, थर्ड के अंदर क्या, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मीन्स जब भी हम सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं कोकून से। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, कोकून से मिलेंगे, और उन स्ट्रक्चर को बोलते क्या है, क्योंकि सबसे छोटे लेवल पे तो हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही बनता है, और उसको बोलेंगे क्या हम, फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अक्रॉस, यानी लेफ्ट टू राइट के लिए करेंगे हम, ठीक है। उसका फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा कीप वार्म, यानी कि कौन सा फाइबर हमें वार्म कर सकता है यहाँ पे। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग हम करेंगे वूल, ओके, चैप्टर के अकॉर्डिंग वूल रहेगा हमारा। सेकंड, इट लीव्स आर ईटन बाई सिल्क वर्म, सिल्क वर्म किसके लीफ का यूटिलाइज करके हमें सिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, दैट इज मलबेरी, यानी सहतूत के पेड़ के पत्ते होते हैं वो, ठीक है, मलबेरी, ओके। नेक्स्ट, हैचिज फ्रॉम एग ऑफ मॉथ, यानी जो कीड़ों के जो अपने मॉथ होते हैं, सिल्क मॉथ होते हैं, उनके जो अंडे होते हैं उनसे हैच करने के बाद में हमें क्या मिलता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैटरपिलर और लार्वे, ठीक है, तो थर्ड ए के अकॉर्डिंग क्या रहेगा यहाँ पे, कैटरपिलर, ओके। तो इस लाइन के अंदर हम क्या फिल करेंगे, कैटरपिलर्स, ओके। सो स्टूडेंट, ये हमारी आंसर की हो गई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, और नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है, नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी एंड अदर देन, ओके। सो वी विल स्टार्ट स्टडी अबाउट सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन। द एक्स्ट्रा क्वेश्चन में फर्स्ट रहेगा हमारा, नेम द सोर्स फ्रॉम विच द फॉलोइंग आर ऑब्टेन, कि हमें इनके सोर्सेज बताने हैं कि किस सोर्स से हमें मिलता है, सिल्क का क्या सोर्स रहेगा, वूल का क्या होता है, और एंगोरा का क्या होता है, ठीक है। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है, ठीक है। वूल हमें मिलेगी सिप से, ठीक है। एंगोरा, एंगोरा इज ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा रेबिट, ठीक है, एंगोरा रेबिट से हमें, यानी हमने सोर्सेज के नेम बताए, सिल्क, सिल्क वॉर्म से, वूल, सिप से, एंगोरा, एंगोरा रेबिट से, ओके। नेक्स्ट, विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर एनिमल फाइबर मेड अप ऑफ, कि जो एनिमल फाइबर होते हैं वो किस सब्सटेंस से बने होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर रहेगा प्रोटीन, प्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट मेकअप ऑफ, स्टूडेंट, प्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट मेकअप एनिमल फाइबर, ओके, प्रोटीन रहेंगे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल फॉर्म द बेस ऑफ वेजिटेबल फाइबर,
अब जितने भी वेजिटेबल फाइबर यहाँ पे अगर हम प्लांट की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा सेल्यूलोज, ओके, सेल्यूलोज फाइबर फॉर्म्स द बेस ऑफ वेजिटेबल फाइबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम, ये क्वेश्चन हमने काफ़ी टाइम किया है, MCQs, फिलअप, ट्रू फॉल्स, इस टाइप से ये क्वेश्चन रहता है हमारा। द रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम ए शिप इज कॉल्ड सीयरिंग, ठीक है, सीयरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, डैश इज द मैनेजमेंट एंड ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वर्म, ये क्वेश्चन भी हमने किया है अभी जस्ट, कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम मैनेजमेंट या ब्रीड करते हैं सिल्क वर्म को, और किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के लिए, दैट इज कॉल्ड सेरीकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर इज द मैनेजमेंट एंड ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज वूल ट्रैप मोर एयर देन कॉटन, ट्रू और फॉल्स, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो वूल के जो फाइबर होंगे क्या वो कॉटन के कंपैरिजन में ज़्यादा एयर को ट्रैप करना, ट्रैप का मतलब पकड़ना, ठीक है, अपने अंदर गेन करना, ट्रू और फॉल्स, क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। तो वूल ट्रैप मोर, यस, ठीक है, वूल कैन ट्रैप मोर एयर बिकॉज द एयर स्पेस प्रेजेंट इन इट्स फाइबर, क्योंकि वूल के जब आप देखते हो कॉटन के कंपैरिजन में, वूल की आपको कपड़े की एक तो मोटाई ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, वूल के अंदर जो एयर गैप है वो ज़्यादा है, तो वो एयर को भी अपने अंदर ज़्यादा गेन करा, और एयर क्या है हमारा यहाँ पे इंसुलेटर का काम करेगा हीट, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि जो बॉडी के साथ हमारा जो वूल कॉन्टैक्ट में रहेगा, ये हमारी बॉडी है, यहाँ पे वूल है, तो वूल के अंदर भी एयर ट्रैप ज़्यादा रहेगा, तो हमारी बॉडी की जो हीट है वो एस्केप नहीं होगी, ओके, एस्केप नहीं होगी, और बाहर की जो कोल्ड एयर होती है, ठंडी हवा है, वो अंदर नहीं आएगी, ठीक है। और यही रीज़न होता है कि जो वूल के जितने भी फैब्रिक हम यूज़ करते हैं विंटर सीजन के अंदर, वो हमें हीटअप रखते हैं, हमारी बॉडी को हीटअप रखते हैं। और अगर इसके कंपैरिजन में कॉटन की बात करते हैं, तो कॉटन के अंदर बारीक लेयर होने के कारण एयर को ट्रैप नहीं होती, एयर ट्रैपिंग का प्रोसेस नहीं होने के कारण क्या होगा, एयर ट्रैपिंग नहीं होगी, तो अब ये हमारी बॉडी होगी, यहाँ पर हमारा हो गया कॉटन क्लॉथ, ठीक है। एयर ट्रैपिंग प्रोसेस होगी नहीं, तो बाहर से जैसे ही, ठीक है, जो कोल्ड एयर आती है वो एज इट इज़ यहाँ से एंटर कर जाएगी, और हमारी बॉडी की जो हीट है वो भी यहाँ से इस्केप हो जाती है। और यही रीज़न होता है कि तभी हम जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं इनका यूटिलाइज करते हैं समर सीजन के अंदर, ताकि हमारी हीट आउट कर सकें हम, और बाहर की जो कोल्ड यानी कि ठंडी हवा है वो इन कर सकें, ताकि हमारी बॉडी को गर्मी ना लगे, ठीक है। और यही रीज़न होता है हमारा दोनों को यूटिलाइज करने का। नेक्स्ट, वी वेयर क्लॉथ सूटेड टू द वेदर, हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो वेदर के अकॉर्डिंग क्यों पहनते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा रहेगा कि लूज एंड लाइट कलर, एक तो लूज यानी कि ज़्यादा टाइट ना हो, लूज एंड लाइट कलर कॉटन क्लॉथ्स, जैसे अभी डिस्कस किया था जस्ट, कॉटन क्लॉथ आर वॉर्न इन दी समर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, लाइट कलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइट कलर यहाँ पे क्या करेगा कि हीट को अब्जॉर्ब कम करता है, और रिफ्लेक्शन क्या करेगा यहाँ पे, ज्यादा करता है, ओके, अब्जॉर्ब लेस। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि लूज एंड लाइट कलर क्लॉथ्स कॉटन क्लॉथ आर वॉर्न इन समर, हमें समर में क्यों पहनने चाहिए, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा कि जो लाइट कलर के क्लॉथ होते हैं वो हीट को, यहाँ पे दो पॉइंट करेंगे हम, एक तो अब्जॉर्ब, हीट को अब्जॉर्ब करना, और सेकंड हमारा रिफ्लेक्ट करना, ठीक है। तो जो लाइट कलर क्लॉथ के होते हैं वो हीट को अब्जॉर्ब करेंगे कम यानी कि लेस, और रिफ्लेक्ट करेंगे ज़्यादा। और यही रीज़न होता है कि जो लाइट कलर के क्लॉथ होते हैं ना, वो जब हीट को रिफ्लेक्ट ही कर देंगे तो यहाँ पर, और अब्जॉर्ब कम करेंगे, तो वो हमें हीटअप करने में, हीट ना करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी को ठंडा रखने में हेल्प करेंगे यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट,
लाइट कलर क्लॉथ रिफ्लेक्ट द हीट हो गया ये। इन कॉटन मेड क्लॉथ्स एयर सर्कुलेट फ्रीली, और कॉटन के अंदर एयर ट्रैप नहीं होती बल्कि सर्कुलेट करती है। लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिस्कस हुआ था उसी में सेम वे में कि कॉटन के अंदर सर्कुलेट करेगी फ्रीली, यानी कि हमारी जो हॉट हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर भी जा सकती है, और बाहर की जो ठंडी एयर है कोल्ड एयर वो हमारी बॉडी के टच में भी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, डार्क कलर एंड थिक वुलन क्लॉथ विंटर के अंदर क्यों यूज करते हैं? बिकॉज डार्क कलर ज़्यादा तो यहाँ पे गेन करेगा, हीट को अब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, रिफ्लेक्ट कम करेगा, यानी कि हीट को ट्रैप करेगा वो। ठीक है, और हीट अगर ट्रैप होती है तो हमारी बॉडी की हीट एज इट इज वहाँ पे रहेगी, और बाहर की जो कोल्ड एयर है वो एंटर नहीं कर पाएगी, तो हमारी बॉडी को विंटर सीजन के अंदर हेल्प मिलेगी हीटअप करने में। ठीक है, नेक्स्ट, जनरली वी वियर कॉटन क्लॉथ इन द रेनी सीजन, रेनकोट्स आर यूज टू कीप बॉडी ड्राई। रेनकोट का यूटिलाइज इसी करते ताकि जो बारिश का जो वाटर रहेगा यहाँ पे वो हमारी बॉडी के साथ कांटेक्ट में ना आए, ताकि वेट रहे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनिमल एंड प्लांट फाइबर, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इच। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे एनिमल और प्लांट फाइबर होते क्या है? सिंपल है यहाँ पे कि वो फाइबर जो हमें प्लांट से मिलता है दैट इज कॉल्ड प्लांट फाइबर, वो फाइबर जो हमें एनिमल से मिलता है एनिमल फाइबर। ठीक है, द फाइबर दैट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स इज कॉल्ड प्लांट फाइबर, एंड द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स दैट इज कॉल्ड एनिमल फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन बर्नड, अगर हम प्लांट फाइबर को बर्नड यानी कि जलाते हैं, स्मेल लाइक ग्रास और अपीयर लाइक बर्नड ग्रास, हमें ये लगेगा जैसे कोई ग्रास की घास की बनी हुई किसी ऑब्जेक्ट को हमें बर्न आउट किया है। ओके, बट अगर हम क्योंकि एनिमल फाइबर के अंदर वूल का एग्जांपल सबसे बेस्ट रहता है, अगर आप वूल को जलाते हो तो आपको उसमें हेयर यानी कि फ्लीस जैसी स्मेल आएगी, क्योंकि वो फ्लीस से तैयार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट फाइबर की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है सेल्यूलोज के कारण, नेक्स्ट, और इनकी स्ट्रेंथ लेस रहेगी यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल कॉटन जूट और वूल एंड सिल्क रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज वूल फाइबर हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी वार्म? वुलन क्लॉथ आर कंप्राइज स्लॉट्स और स्पेस बिटवीन देयर फाइबर। ठीक है, कि वुलन क्लॉथ्स क्या करता है कि हमारे बीच में स्पेस ज़्यादा रहता है इनके अंदर, और दैट हेल्प टू ट्रैप द एयर इनसाइड, और वही ट्रैप की हुई एयर है वो बेड कंडक्टर का काम करती है हीट को, यानी कि हीट ना तो बाहर जा सकती है ना बाहर से अंदर आ सकती है, तो हीट टू एस्केप कंट्रोल करती है ये। ठीक है, और इट हेल्प टू कीपिंग आवर बॉडी वार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा, ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ का लाइफ साइकिल यानी सिल्क मॉथ जहाँ से स्टार्ट करता है, स्टार्ट कहाँ से करेगा? स्टार्ट पॉइंट हमारा रहता है एग से, अंडों से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, जो अडल्ट सिल्क मॉथ होते हैं यानी फीमेल, वो अंडे देंगे कहाँ पर? मलबेरी के लीफ के ऊपर। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा कि अडल्ट सिल्क मॉथ ले एग्स ऑन द लीफ ऑफ मलबेरी। ठीक है, नेक्स्ट, अब वो जो एग है वो हैच प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है, कैटरपिलर लार्वे देन सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में ये मलबेरी लीफ के साथ, ठीक है, जो हमारा प्रोसेस रहता है ना कि मलबेरी के लीफ को ये डाइजेस्ट करेंगे, खाएंगे, और अपने माउथ से स्टिकी और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं अपनी बॉडी के अराउंड, दैट इज कॉल्ड कोकून। ओके, और कोकून के अंदर वो मॉथ हमारा डेवलप होता रहता है, और वही हमारा अडल्ट बन जाता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर। सो द अबो डायग्राम डिपिक्ट द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मॉथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द स्टेप इन सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं जो हमें सिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, सिल्क प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, यहाँ फर्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट स्टेप इज टू कलेक्ट द कोकून। पहले हम लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग किया था ना कि जो सिल्क वो सिल्क मॉथ होते हैं वो मलबेरी के लीफ को ईटिंग प्रोसेस करके अपने अराउंड एक थ्रेड लाइक यानी कि वाइट कलर का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिसको हमने कोकून का नेम दिया था। ठीक है, और वही कोकून को हमें कलेक्शन करना होता है, और उन इंसेक्ट को उन्हीं के अंदर ख़त्म कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कोकून के अंदर उनकी लाइफ साइकिल इतनी होती है कि वो उस स्टेप तक जाते जाते ऑटोमेटिकली ख़त्म भी हो जाते हैं। फॉर दिस,
कोकून आर आइदर बॉयल, या तो कोकून को फिर उबाला जाता है सफाई करने के लिए, स्टीम और ट्रीट इन अवन। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप इज रिलिंग और फाइलेचर। रिलिंग का मतलब है हमारा कि हम क्या करें उनको रील, जैसे उनको जो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ठीक है, स्पिनिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। स्पिनिंग प्रोसेस के अंदर जैसे आपने पढ़ा भी होगा तकली जो मेथड यूज़ करते थे ओल्ड टाइम के अंदर, चरखे से करते थे, जैसे कॉटन से थ्रेड तैयार करते हैं, सो सेम ऐसे इसके अंदर से भी क्या करेंगे हम एक्सट्रैक्ट सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून। ओके और इनको थ्रेड के अंदर स्पून कर दिया जाता है, और इन्हीं जो थ्रेड जो होते हैं इनका यूटिलाइज हम करते हैं फैब्रिक तैयार करने के अंदर, और दैट इज कॉल्ड सिल्क फैब्रिक। ठीक है नेक्स्ट, व्हाट एडवर्स इफेक्ट आर ऑब्जर्व ऑन हेल्थ ऑफ वर्कर इन द सिल्क इंडस्ट्री, कि जो सिल्क इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर काम करते हैं उनकी बॉडी के ऊपर एडवर्स का यहाँ पे है अपोजिट, कि अपोजिट कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो सिल्क इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दोज वर्किंग इन द सिल्क इंडस्ट्री आर प्रोन टू रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस को बोलते हैं सांस लेना, और रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि श्वास से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड, ठीक है, स्केपीज और अदर स्किन इन्फेक्शन। क्यों स्किन इन्फेक्शन, सारा दिन उस जो हमारे फाइबर होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े और कुछ बैक्टीरियाज बॉडी पे भी गिरते रहते हैं, और वही बैक्टीरिया जब सांस रेस्पिरेशन प्रोसेस किए जाते हैं तो उसमें वो हमारी बॉडी के अंदर इनलेट भी कर जाते हैं। ठीक है नेक्स्ट, द वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द स्टीमिंग, जैसा अभी डिस्कस किया ना कि स्टीमिंग प्रोसेस, कुकिंग और रिलिंग ऑफ कोकून, इनहेल, इनहेल का मतलब हम अंदर ले जाते हैं, कैन कॉज अस्थमा, अस्थमा की प्रॉब्लम यानी कि सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी और ब्रोंचियल एलिमेंट जो हमारे लंग्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं ब्रोंचियल बोलते हैं जिनको, उनमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ड्यूरिंग रीलिंग द वर्कर नीड टू बॉयल द कोकून इन वार्म वाटर, और रीलिंग करते टाइम उन कोकून को बॉयल किया जाता है गर्म पानी के अंदर, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रेगुलर डिपिंग ऑफ हेड इन टू द वार्म और बॉइलिंग वाटर देयर स्किन ऑल्सो ब्लिस्टर एंड पिलिंग ऑफ। अब ज़्यादा टाइम तक अगर हम भी अपने हाथों को वाटर के अंदर डिप करते हैं तो हमारी स्किन भी ब्लिस्ट करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि स्वेल भी बोल सकते हैं, ठीक है, और एक लिमिट के बाद में स्किन है वो टर्न ऑफ भी हो जाती है, पिल ऑफ यानी स्किन उतर भी जाती है उन लोगों की। तो दीज आर सम प्रॉब्लम दैट इफेक्ट ऑन लाइफ ऑफ जो वर्कर होते हैं उनकी लाइफ को कैसे इफेक्ट करती है सिल्क इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, इस टाइप से। ठीक है, सेम यही इफेक्ट हमारे कॉटन इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी बैक्टीरियाज होंगे जो सांस से अंदर जाएंगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, और यही सेम हमारे सिल्क इंडस्ट्री में होते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर नंबर थर्ड, फाइबर टू फैब्रिक एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्लस सम अदर क्वेश्चंस। ओके थैंक यू एंड बाय बाय।